हेलो रॉबिन सर। हाय सर, मैं श्रीदेश श्रीवास्तव आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहता हूँ सर, आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने शुरुआत करी, कैसे आप फिल्म लाइन में आए, कैसे आप राइटर बने, इस बारे में कुछ बताइए सर। फिल्म लाइन में कैसे आया, वो तो मेरे डीएनए में फिल्म्स हैं। मेरे फादर फिल्म डायरेक्टर थे और मेरे पूरा खानदान फिल्म लाइन में है। हालांकि मैं ग्रेजुएट होने के बाद फिल्म लाइन में नहीं आना चाहता था। मैंने एक साल एज ए सेल्समैन नौकरी की, फिर दूसरे साल में मैंने तीन नौकरियां बदली की। फिर एक दिन मेरा एक दोस्त आया अमेरिका से, उसने कहा कि तू क्या यहाँ वहाँ हाथ पैर मार रहा है, यू बिलोंग टू फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पर जाके काम कर। तो ऐसे मैंने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की, मुझे डायरेक्टर बनना था, तो इसलिए मैं शिवू मित्रा करके एक डायरेक्टर हैं जो स्टंट फिल्म्स वगैरह बनाते थे, उनके साथ उनकी पहली फिल्म आखिरी गोली में एज एन अप्रेंटिस असिस्टेंट डायरेक्टर लगा, जिसमें पगार नहीं मिलना था। तो उसके जो प्रोडक्शन मैनेजर थे वो मेरे फादर के जानकार थे, मेरे फादर ने उनको ट्रेन किया था, तो उन्होंने कहा कि तू साथ साथ में प्रोडक्शन का काम कर तो तुझे पैसे मिलेंगे। तो मैंने साथ साथ में प्रोडक्शन का काम भी करता था और इस वजह से मुझे थोड़े थोड़े पैसे मिलने लगे प्रोडक्शन का काम करने के लिए। फिर मैं शिवू मित्रा के साथ आगे कंटिन्यू किया, तीन चार पिक्चरें की। एक दिन मैं कहीं महेश भट्ट से मिलने, जो मेरे भाई हैं, उनसे मिलने आरके स्टूडियो गया था एक शूटिंग में। तो उसने मुझे पूछा क्या करते हो, तो मैंने कहा कि असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। महेश ने नहीं, ऋषि कपूर ने पूछा, तो असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ और शिवू मित्रा के साथ काम करता हूँ। तो ऋषि कपूर ने कहा अरे यार, किसी बड़े डायरेक्टर के साथ काम करो अगर तुमको अच्छा डायरेक्टर बनना है। तो अब ये बात मुझे लग गई, तो किसी तरह मैंने मुकेश भट्ट को कहा कि यार मुझे बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना है। मुकेश उस ज़माने में विनोद खन्ना के सेक्रेटरी थे और सुमिता पाटिल के सेक्रेटरी थे, वो भी प्रोड्यूसर नहीं थे। तो उसने नरेंद्र बेदी साहब के वहाँ मुझे लगवा दिया और ऐसे मेरी जर्नी शुरू हुई एज एज असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर एज असिस्टेंट डायरेक्टर करीब 17 फिल्में की हैं, जिसमें अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम किया। सबसे ज़्यादा काम मैंने नरेंद्र बेदी साहब के साथ किया। अचानक बेदी साहब की डेथ हो गई और हम बेकार हो गए, काम बंद हो गया। तो मैं शफी इनामदार एक उभरते हुए कलाकार थे, उनका सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद में प्रिया तेंदुलकर, जिसने बहुत सारी टीवी एपिसोड्स किए, रजनी, उनका भी सेक्रेटरी बन गया और चल रहा था एज ए सेक्रेटरी। पर लेकिन मेरा दिल तो डायरेक्शन में था। इतने में एक दिन महेश का फ़ोन आया कि भैया आके मिलो, कुछ काम है। मैं मिलने गया तो कहा कि हम सोच रहे हैं कि अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी शुरू करें। तो इस तरह विशेष फिल्म का जन्म हुआ। कहते हैं तुम साथ में जुड़ जाओ क्योंकि तुमको प्रोडक्शन वगैरह सब आता है, मुकेश को आता नहीं है, डायरेक्शन मैं करूँगा और हम लोग फिल्म बनाएंगे, संजय दत्त पिक्चर में काम करेगा। तो इस तरह कब्ज़ा नाम की पिक्चर हम लोगों ने बनाई, कब्ज़ा, जुर्म, एक और फिल्म, छोटी फिल्में स्वयं ये कर रहे थे। उन्हीं दिनों एक ऐसा पीरियड आया कि जिसमें 8-9 महीने हमारे लोगों के पास काम नहीं था और गुलशन कुमार जी टी सीरीज़ को लेके बॉम्बे आ चुके थे और उन्होंने उनका कारोबार फिल्म लाइन में बहुत अच्छा चल रहा था। वो महेश भट्ट के फैन थे। तो एक दिन हम लोग गुलशन कुमार जी से मिलने गए थे, तो गुलशन कुमार जी ने 8 गाने रिकॉर्ड की हुई कैसेट दे दी भट्ट साहब को और कहा, महेश को कहा गया इसमें रोमांटिक गाने हैं, मुझे एक लव स्टोरी बना के दो। तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा यार मैं तो गुलशन जी, मैं तो इंटेंस डायरेक्टर हूँ, मेरे से ऐसी लव स्टोरी नहीं बनेगी। तो मैंने टेबल के नीचे से महेश को पैर मार के कहा कि हाँ कर दे क्योंकि काम नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने हाँ कर दिया और कैसेट ले ली। उनके ऑफिस, गुलशन कुमार जी के ऑफिस के बाहर निकलने के बाद वो कैसेट उसने मेरे हाथ में थमा दी, कहा लो सुनो गाने और बताओ कि इस पर पिक्चर बन सकती है नहीं बन सकती है। मैं बोला मुझे क्यों दे रहे हो, तुम सुनो। बोला नहीं नहीं तुमने फंसाया, तुम ले जाओ। अब आके जब मैंने घर पे गाने सुने तो गाने बहुत ही बढ़िया थे
और तीन चार गाने के बाद मेरी वाइफ ने अचानक कहा कि किन से किस पिक्चर के गाने हैं। मैंने कहा गाने ही हैं, पिक्चर नहीं है। तो उसने कहा जल्दी बनाओ। तो जाके मैंने महेश को कहा कि गाने बहुत अच्छे हैं, 8 में से 6, तो हमको पिक्चर तो बनानी चाहिए। तो उन्होंने कहा लिखो फिर। हमने कहा हम कहाँ डायरेक्टर हैं यार, हम कहाँ राइटर हैं, मैं कहाँ से लिखूँगा। कहते तुमने फंसवाया है, अब तुम ही लिखो। अब मैंने सोचा अगर मना कर दूंगा तो ये पिक्चर नहीं बनेगी। तो मैंने कहा हमने हाँ कर दिया। फिर मैंने अपने साथ साथी लिया आकाश खुराना, जो पढ़ा लिखा PhD हुआ हुआ, MBA किया हुआ आदमी, मेरा इसको ज़्यादा समझ है मेरे से। तो इसको लेके साथ में कहानी बनाते हैं। इस तरह हमारी मेरी एज ए राइटर की जर्नी शुरू हुई, जिसमें सबसे मुश्किल काम ये था कि गाने थे, उसके आगे पीछे कहानी बनानी है। तो कहानी हम बुनने लगे और नए एक्टर एक्ट्रेसेस ले लिए, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी। और ये पिक्चर जैसे जैसे बनती गई, वैसे वैसे गुलशन कुमार जी एक और गाना रिकॉर्ड करके आते थे और कहते थे ये गाना सुपर हिट है, ये भी डाल दीजिए पिक्चर में। करते करते आशिकी में 11 गाने हो गए। और गाना 11 गानों के साथ गुलशन कुमार जी बहुत खुश थे, उनको पता था। उसने कहा मैं तो ये गाने हिट करवा दूंगा चला चला के, पिक्चर का क्या होगा पता नहीं, आप देख लीजिए। अब हमने सोचा पिक्चर चलेगी तो गानों की वजह से ही चलेगी, और नहीं चली तो हम कहेंगे हम कहाँ राइटर थे, हमको तो फंसा दिया था। और ये पिक्चर चल गई, ये पिक्चर चल गई। तो उन्होंने कहा फटाफट दूसरी पिक्चर बनाओ। तो ऐसे बड़ी बनने लगी, दिले के माता नहीं बनी, उसके बाद सड़क बनी, और महेश भट्ट डायरेक्टर और मैं राइटर, ये जोड़ी चल पड़ी। तो लाइन में आशिकी, दिले के मानता नहीं, मेरा ही प्यार के, सड़क, साथी, ये सारी पिक्चरें इतनी अच्छी गई कि लोगों को यकीन हो गया कि रॉबिन भट्ट भी एक अच्छा डायरेक्टर है। लेकिन साथ में ये बात भी होने लगी कि ये तो महेश भट्ट लिखता होगा, उसका भाई है तो अपने भाई को नेपोटिज्म कर रहा है और उसको उसका नाम दे रहा है। उन्हीं दिनों मुझे एक दिन अब्बास मस्तान का फ़ोन आया कि सर आपसे बात करनी, आ जाइए। तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने पूछा कि किस बिफोर डाइंग पिक्चर देखी है साहब आपने? तो एक टीवी मूवी थी किस बिफोर डाइंग। मैंने कहा सिर्फ देखी नहीं है, मैंने वो नॉवेल भी पढ़ी है। तो उनको ये पता नहीं था कि वो नॉवेल है। कहता आपने नॉवेल भी पढ़ी? जी हाँ, मैंने वो नॉवेल भी पढ़ी है, मैंने वो पिक्चर भी देखी है, और मैंने एक अपना वर्जन बना के रखा हुआ है। इन्होंने कहा हम बनाना चाहते हैं, ये बन सकती है क्या पिक्चर? मेरा बिल्कुल बन सकती है। तो सर आप लिखिए उसको। तो इस तरह से जन्म हुआ उस पिक्चर का, जो बाद में एक आइकॉनिक फिल्म बन गई, जिसका नाम था बाजीगर। अब बाजीगर लिख तो दी हमने, जिसमें हीरो विलन था, मर्डरर था, 5 मर्डर करता था। बात यह हुई कि कोई हीरो पिक्चर में काम करने को हाँ ना बोले, राजी ना हो। अब्बास मस्तान ने खिलाड़ी बनाई थी अक्षय कुमार के साथ, उसने भी मना कर दिया, सलमान खान ने भी मना कर दिया। यानी उस वक़्त का जो भी हीरो हो सकता था सब ने मना कर दिया। और उन्हीं दिनों शाहरुख नया नया शुरू हुआ था, शाहरुख का। मैं खार में एक विला होटल है वहाँ बैठ के अपना काम करता था, साथ में मेरे साथी जावेद सिद्दीकी और आकाश खुराना और सुजीत सेन। उसी कमरे के बाजू के कमरे में अजीज मिर्जा साहब राजू बन गया जेंटलमैन का स्क्रिप्ट का काम करते थे, शाहरुख उनको मिलने रोज आता था। और फिर शाहरुख कभी कभी आके मेरे पास बैठ जाता था और बातें करता था। उसकी बातों से पता चलता था कि ये कुछ अलग किस्म का बंदा है। तो जब बाजीगर सब ने मना कर दी तो इन्होंने कहा कि अब क्या करें, मेरा एक हीरो है, बात आप कहो तो मैं बात कर सकता हूँ, मेरा दोस्त है, मेरे पास रोज़ आता है।
तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं था, इन्होंने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल शाहरुख खान से बात करो। तब तक शाहरुख खान की दीवाना और चमत्कार रिलीज हो चुकी थी। हमने शाहरुख खान से बात की, शाहरुख खान ने कहा, इंटरवल तक कहानी जब मैंने उसको सुनाई तो कहा रुक जाइए रोमित, पिक्चर कर रहा हूँ, ये पिक्चर में कर रहा हूँ। और ऐसे जन्म ऐसे बाजीगर शुरू होने से 4 दिन पहले शाहरुख ने मुझे कहा कि रविंद्र, मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से खास करके मिलना चाहता हूँ। मैंने उनको कहा कि ये आपको मिलना चाहते हैं, हम शाहरुख से मिलने गए। इन लोगों को डर था कि शायद मना कर देगा, डर गया होगा। तो हम जब गए और मुझे भी ऐसा लगा कि यार पता नहीं ये 4 दिन पहले क्यों ऐसा बोल रहा है। जब हम मिले तो उसने कहा कि अब मैंने रविंद्र से कहानी पूरी सुन ली है और मुझे आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि इसमें कोई चीज़ आप चेंज नहीं करोगे, ये जो हीरो नेगेटिव है इतना ही नेगेटिव पूरी पिक्चर में रहेगा, उसको कोई कुछ जस्टिफाई नहीं करोगे, जिस तरह से ये सब सीन लिखे हैं उसी तरह से शूट करोगे। अब्बास मस्तान वॉज वेरी श्योर, देवर वेरी श्योर, वो कह रहा हाँ सर कोई चीज़ चेंज नहीं करें, हमको भी ये पिक्चर एज इट इज़ बनानी है जैसी स्क्रिप्ट बनी। और पिक्चर बनी, लोगों ने देखी तो उन्होंने प्रोड्यूसर को राय दी कि ये पिक्चर किसी को दिखाना मत, ये पिक्चर चलने वाली नहीं, रिलीज कर दो। पिक्चर का बॉम्बे में प्रीमियर हुआ और दूसरे दिन दिल्ली में प्रीमियर था। तब तक पिक्चर बॉम्बे में थर्सडे को प्रीमियर हुआ, दिल्ली में फ्राइडे को हम लोग सब लोग जाने वाले थे। तब तक दिल्ली में सुबह 4 शो चल चुके थे। दिल्ली के शीला थिएटर में हम जब रात को शाहरुख वगैरह प्रोड्यूसर वगैरह सब पहुँचे तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर में से मेहता साहब, जीडी मेहता साहब बाहर खड़े हुए थे और बस में से मैं ही पहला उतरा और उसने मुझे देख के मुझे गले से लगा लिया, मुझे जानते थे, और कहा मुबारक हो भैया पिक्चर तुम्हारी सुपरहिट है। मैंने मुड़ के कहा मुझे नहीं, इन प्रोड्यूसर को और ये है शाहरुख खान को कहो। हमने वो पिक्चर, अब शाहरुख इंस्टीट करे कि मैं पब्लिक में बैठ के पिक्चर देखूँगा, और उसने पिक्चर देखी और जो उसका रिएक्शन देखा तो फिर तो कंफर्म हो गया पिक्चर सुपरहिट। हम जब बॉम्बे आए वापस तो मुझे महेश भट्ट ने बोला कि तुम्हारी पिक्चर मैं सुना हीरो 5 मर्डर करता है, हीरोइन का मला एक मर्डर नहीं, मेरा हीरो 5 मर्डर करता है, उसमें पहला मर्डर है हीरोइन का, बाकी दूसरे लोगों का। कहता फिर कैसे चलेगी ऐसी पिक्चर यार। मैंने कहा महेश मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, पिक्चर सुपरहिट है। और उस पिक्चर में ने शाहरुख ने उस कैरेक्टर की वजह से हिस्ट्री बनाई। अब ये मेरी जर्नी का टॉप गियर लग गया। अब एक के बाद एक पिक्चरें और एक के बाद एक नए नए डायरेक्टरों के साथ काम करना, जिसमें के विश्वनाथ, रमेश सिप्पी, राज कंवर, इन सब लोगों के साथ काम किया, रोहित शेट्टी, अजय देवगन एज ए डायरेक्टर, अश्विनी देव, और करते करते करीब 1990 से 2020 हो गए 30 साल ऑलमोस्ट, और अब अबाउट 80 फिल्में। तो ये रही मेरी ज़िंदगी का सफ़र, और सफ़र अब भी जारी है। हाँ, राकेश रोशन साहब को तो बोल ही गया, जिनके साथ मेरी शुरुआत हुई कोई मिल गया से, फिर कोई मिल गया, क्रिश 3, काइट्स, और अब क्रिश 4 की स्क्रिप्ट रेडी है, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। संजय गुप्ता की पहली फिल्म आतिश मैंने लिखी और अब उसके उनके साथ मैं बॉम्बे सागा लिख रहा हूँ। विशाल भरद्वाज के साथ जो मेरे दोस्त हैं और क्रिकेट हमने बहुत साथ में खेली है, उनके साथ मैंने ओमकरा लिखी और अब उनकी नई पिक्चर में लिख रहा हूँ, एक प्रोसेस चालू है। तो बहुत बढ़िया रहा सफ़र, और नई चैलेंजेस आती हैं
प्रेक्षक बदलते हैं, ज़माना बदलता है, टेक्निक्स बदलती हैं, और उसके साथ 30 साल से जुड़े रहना ही बहुत बढ़िया काम हो रहा है ऐसा मुझे लगता है। सर तो एक अब आपने बहुत अच्छी जर्नी बताई अपनी, इसके अलावा मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं सर वो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि जब मुंबई आए, ठीक है आपका तो खैर एक एक्सीडेंटल था कि आप राइटर बन गए, पर कई लोग जो राइटर बनना चाहते हैं मुंबई आते हैं उनको पता नहीं होता है यहाँ किससे मिलें, कहाँ जाएं, कैसे स्टार्ट करें, क्या रिसोर्सेज हैं, किस तरह से शुरुआत करें, उनको कुछ बेसिक्स नहीं पता होते, तो आप उसमें उनको थोड़ा सा एनलाइटन करिए कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में आके राइटर बनने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या करना चाहिए उनको। देखिए अब माना कि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, लेकिन राइटर बनने के लिए एक बात बहुत ही ज़रूरी है और वो है आपकी कहानी। आपके पास वो कहानी होनी चाहिए जिसको सुनते ही डायरेक्टर या एक्टर या जो भी जिसको भी सुना रहा हो वो खड़ा हो जाए कि इसमें कुछ नई बात है। जो फिल्में बन चुकी हैं और जो हिट हो चुकी है उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए, आप अपना क्या नया लेके आ रहे हैं। कंपटीशन बहुत है, राइटर एसोसिएशन में 30,000 मेंबर्स हैं लेकिन काम सिर्फ 30-40 लोगों के पास है, क्योंकि हर कोई यूनिक चीज़ नहीं सोचता या नहीं लाता, और अगर आप कोई यूनिक चीज़ लेके आएंगे और जिसमें दम है तो वक्त शायद लग जाए लेकिन वो कहानी असली मेकर तक पहुँच जरूर जाएगी, रुकेगी नहीं, कहीं ना कहीं से पहुँचेगी और आपको ब्रेक मिलेगा। अच्छा सर, जो मुंबई से बाहर हैं, जो मुंबई आना चाहते हैं तो वो तैयारी करना चाहते हैं वहाँ से कि मैं तैयारी करके आता हूँ मुंबई, तो क्या तैयारी आपको लगता है वो करना चाहिए, मतलब फिल्में पढ़नी चाहिए, स्क्रिप्टें पढ़नी चाहिए, फिल्में देखनी चाहिए? फिल्में देखनी चाहिए, फिल्म स्क्रिप्टें पढ़नी चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, समाज को देखना चाहिए, क्योंकि जो किरदार होते हैं, कैरेक्टर होते हैं कहानी के, वो समाज से आते हैं, समाज को ठीक से गौर से देखना चाहिए और अपने कैरेक्टर्स उस समाज से ढूंढ के लाने चाहिए जिसको देख के देखने वाले को या कहानी सुनने वाले को ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसा बंदा मैंने देखा है, ऐसा बंदा हो सकता है। फिल्म ज़मीन से जुड़ी हुई होनी चाहिए। अभी देखिए आप रिसेंटली पिछले 5 सालों में पूरी फिल्म मेकिंग बदल चुकी है, लोग नए नए किरदार, नई नई टॉपिक्स, नए नई कहानियाँ, नया नया जॉनर को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बधाई हो, विकी डोनर, बाला, आर्टिकल 375। मैं तो बोलता हूँ कि हमारे देश में, हमारे मुल्क में इतनी कहानियाँ हैं, इतने रिसोर्सेज हैं, हर ज़मीन की, हर इलाके की, हर जिले की, हर गांव में एक कहानी, वो उन किरदारों के साथ अगर आप सही ठीक से लिख के लाएंगे तो ज़रूर कामयाब। ओके, थैंक यू सर फॉर योर टाइम। यू आर वेलकम। यू आर वेलकम। थैंक यू।